अंदर सीट है जाने दो भाई, सीट है, अरे जिसकी सीट है उसको जाने दो, वो आपकी जिम्मेदारी है भाई साहब। ये सीट मेरे लिए बुक हुई है तो मेरी सीट है, मुझसे मत पूछो, आप रेलवे से पूछो कहाँ उतरना है। तो मुझे नहीं मतलब है ना भाई, मुझे नहीं मतलब, मेरी सीट है, मुझे चाहिए, बात खत्म। जैन दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक और वीडियो में। मेरे पीछे आप देख पा रहे हो, ये है पुरानी दिल्ली का रेलवे स्टेशन। इस पर अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। और वैसे आज की यात्रा हमारी होने वाली है, हम यात्रा करें पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से लेकर प्रयागराज संगम तक, और गाड़ी हमारी होगी ऊंचाहार एक्सप्रेस, जिसे चंडीगढ़ एक्सप्रेस भी कहा जाता है। खैर तो चलिए आज की यात्रा शुरू करते हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। और साथ ही साथ मैं बता दूँ, कल से दिवाली प्रारंभ है और उसके कुछ एक दिनों बाद छठ होगी, तो छठ और दिवाली की कितनी सारी भीड़ है वो भी सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। जब अभी जा रही श्री माता वैष्णो देवी कटरा तो सूबेदारगंज, अगर आप प्रयागराज जाना चाहते हैं तो इसका भी आप चुनाव कर सकते हैं। स्टेशन घड़ी में हो गए 21:24 अर्थात 9:24, गाड़ी हमारी आ चुकी है प्लेटफॉर्म पर। चले चलते अपनी कोच की तरफ फटाफट और दिखाते हैं आपको इसमें भीड़ है कि नहीं। वैसे देखकर लग तो रहा है गुरु भीड़ है, वो अंदर चल के पता चलेगा। चलिए फटाफट चलते हैं। हमारा कोच लगा है एसी कोच के पीछे, सारे एसी कोचेस खत्म होंगे उसके बाद हमारा कोच आएगा। चलते हैं, फिलहाल यहाँ पर इस गाड़ी का 15 मिनट का हॉल्ट है। देखो भाई भागम भाग मची है, भीड़ वैसे ज़्यादा तो नहीं होनी चाहिए। ये थर्ड एसी का कोच है, आप देख सकते हैं। और अभी हम चल रहे हैं अपनी कोच की तरफ, थोड़ा जल्दी कदम ताल करना पड़ेगा। चलो भैया, ये स्लीपर का कोच S9, देखो लॉक कर दिया अंदर से। एक मिनट, जाने दो। S9 अंदर से किसी ने कोच लॉक कर दिया, बताओ भाई साहब। इसमें तो भीड़ तो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन यस फिर भी बहुत ज़्यादा खाली भी नहीं है। और ये है S8। चलो भैया इसमें चलना है अपने को। अंदर सीट है जाने दो भाई, सीट है, चलो। अरे जिसकी सीट है उसको जाने दो, उतरो। चलो। अरे भाई साहब, एक मिनट, आराम से आराम। चलो, जाने दो भाई साहब, अंदर जाने दो। चलो आगे, थोड़ा सा आगे। चलो जी भाई साहब, बुरा हाल। चलो ये सीट मेरी है, आप खाली करो। चलो भाई साहब, आप इधर आओ, मेरी सीट है, आप सीट आओ, देखो मत, सीट मेरी है, खाली करिए, आप आइए। वो भाई उतर रहा है ना, आप भी उतरो, खाली करो। जबरदस्ती हो गई है यार। हाँ बिल्कुल खाली करो, वो आपकी जिम्मेदारी है भाई साहब। ये सीट मेरे लिए बुक हुई है तो मेरी सीट है, मुझसे मत पूछो, आप रेलवे से पूछो कहाँ उतरना है। तो मुझे नहीं मतलब है ना भाई, मुझे नहीं मतलब, मेरी सीट है, मुझे चाहिए, बात खत्म। हाँ उतरो आप, उतरो फटाफट उतरो आप, हाँ उतरो, हाँ खाली करो, आप भी आओ भाई साहब। हाँ, प्लीज, पूरा सीट गंदा कर दिया जूते पहन के। वो आपका सामान है, वो आप हटा लो, वो आप हटा लो, सामान आप हटा लो प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी, आप हटा लो। वो आपका ब्लू वाला, दूसरा वाला सामान ले लो आप प्लीज, आप सामान ले लो अपने, ये बोल रहा हूँ मैं, थैंक यू। देखो भाई साहब, इतना बुरा हाल हो जाता है ट्रेनों में कई बार। पिछले वीडियो में आपको ने दिखाया था कि प्लेटफॉर्म का कैसा हाल है, और अभी ये ऊंचाहार एक्सप्रेस का हाल देख रहे हो। और सबसे उचित यहाँ पर जो ट्रेवल कर रहे हैं ना भाई, वो लड़ने को राजी है। आप सोचो अगर आपके साथ फीमेल है, या अगर आप फीमेल अकेले ट्रेवल कर रहे हैं ना, तो उनके लिए कितना प्रॉब्लम होने वाला है। ये लोग सीट खाली करने को राजी है। मैं आपको दिखाता हूँ कोच के अंदर का क्या सिचुएशन है, देखो सांस लेने की जगह नहीं है। देखो ये ऊंचा रहा कुछ का हाल,
और ये स्लीपर कोच है, देख रहे हो कैसे बैठे हुए हैं लोग। देखो अगर आपको वॉशरूम जाना है, कहीं जाना है, तो आप जा पाओगे कैसे, आप देखो। और ये पूरा जहाँ तक आप देखोगे ना, जहाँ तक देखो, जनरल से भी बदतर हाल है इसकी ट्रेन की। देखो देख रहे हो ना, ऐसा कुछ। देखो ये मेरी सीट है और सामने आप देख पा रहे हैं इतना बड़ा सा जो बोरी दिख रहा है ना भाई साहब, ये रखवाना पड़ेगा मजदूरी में। अगर आपको यात्रा करनी है और लड़ाई नहीं करनी है तो, अगर आपको लड़ाई करनी है तब तो ठीक है, बहुत बुरा हाल है भाई साहब इस ट्रेन का। भाई मैं तो कैसे भी कैसे करके ना यहाँ पर लड़ झगड़ के मैं तो भाई अपनी सीट ले लिया, लेकिन आप सोचो कि ये उनके लिए कितनी प्रॉब्लम होगी अगर लेडीज अकेले ट्रैवल कर रही हैं, या फिर वो लोग जो बेचारे वृद्ध हैं या जो कमज़ोर हैं, जो भी है मतलब जो लड़ नहीं सकते, उनके लिए कितनी प्रॉब्लम होती होगी। मैंने कॉल किया 139 पर भी, बट अभी तक कोई आया नहीं, लगभग 15 मिनट हो चुका है। ठीक है, देखते हैं, होपफुली कुछ अगर सोल्यूशन मिलता है तो ठीक है, नहीं तो भाई ऐसे ही ट्रैवल करनी पड़ेगी। ये हाल है इस ट्रेन का। देखो ये टेक्निक, ये भाई ऐसे ऊपर से सामान लेके खिसकते खिसकते, इधर से पूरा खिसकते खिसकते, देखो ऐसे जा रहा ऊपर ऊपर, देख रहे। और ये सामान 20 भाई का है, ये सारा सामान देखो बेचारा कैसे खिसक खिसक के जा रहा है। तो ये हाल है भाई साहब इस ट्रेन का। बाहर का व्यू आपको तब दिखाऊंगा जब ट्रेन में थोड़ा ठीक ठाक स्पेस हो जाएगा और डे के टाइम पे, ताकि स्पेस मिल जाए और आपको व्यू अच्छा मिले। ऐसे में ना आपको मैं व्यू दिखा पाऊंगा, और इतनी बुरा हाल है मैं नीचे उतर नहीं सकता, आपने देखा है कोच में। देखो इस स्पाइडर बन गए, ये टेक्निक आप मान लीजिए, अगर आप ऐसी यात्रा कर रहे हैं तो देखो ऊपर ऊपर आपको जाना है, नीचे आपके चरण नहीं छूएंगे। देखो ऊपर ऊपर सीट पे जाके ऊपर ही आपको क्रॉस कर जाना है, गजब है ना। देखो भाई जैसे क्या ना, नीचे नीचे सबके पैरों के नीचे, किसी के पैर के ऊपर ऐसे करते करते क्रॉस कर गया। देखा दोस्तों, अभी हो गए सुबह और भीड़ अभी भी चकाचक है, मतलब इस ट्रेन में इतनी भीड़ होती नहीं, लेकिन फिर भी अभी भी भीड़ है। दिखाता हूँ आपको बाहर नज़ारा, और अब आपको दिखाऊंगा बाहर के सुंदर सुंदर से व्यू। देखो ये स्लीपर क्लास है और इस ट्रेन में इतनी भीड़ होती नहीं है, लेकिन फिर भी देख रहे हो खड़े हुए लोग गैलरी तक में, और ऐसा है कुछ। देखो नज़ारा, देखो देख रहे हो ना, एक बार होने का। तो यहाँ देख रहे हो कितने बड़े एरिया में सोलर पैनल लगे हुए हैं, देख रहे हो कितने बड़े एरिया में सोलर पैनल लगा हुआ है, और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और कई जगह पर यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जाती है, सोचो कितना बड़ा एरिया है। आगे बोरियावा काला कांकर का रेलवे स्टेशन, और ये प्लेटफॉर्म नंबर 1। इस रूट पर ऐसे कई सारे रेलवे स्टेशन हैं जिनको मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगर कई सारी चीज़ें आपको टूटी फूटी अव्यवस्थित होंगी। इवन यहाँ की सीटिंग देखो, सीटिंग अरेंजमेंट भी मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। खैर गाड़ी हमारी यहाँ पर स्टॉप ले चुकी है। ऐसा कुछ रेलवे स्टेशन यहाँ का परियावा काला कांकर रोड, देखो। और बाहर से ऐसा कुछ दिख रहा है, तो देखो यहाँ पर प्लेटफॉर्म के पास ही देखेंगे घास जमा हुई है, और देखो सीटिंग अरेंजमेंट देख रहे हो सब टूटा फूटा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको थोड़ा सा दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और अभी आपको दिखाता हूँ इसका डिपार्चर, ये इसका डिपार्चर बोर्ड। ये कुंडा हरनामगंज का रेलवे स्टेशन, कुंडा हरनामगंज बड़ा बड़ा अच्छा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना कि यहाँ से आपका क्या रिश्ता है, कभी आप यहाँ पर आए हो या नहीं। ठीक है, देखो शौचालय इसका लॉक है। कई बार छोटे रेलवे स्टेशन पर ना ये समस्या होती है, सुविधाएँ तो सारी बनी होती है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन उनको पब्लिक के लिए ओपन नहीं किया जाता है,
रीजन क्या हो सकता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और देखो ऐसा है कुछ कुंडा नाम का रेलवे स्टेशन गाड़ी मारी यहाँ पर रुक चुकी है। यस सीटिंग अरेंजमेंट कर यहाँ पर अच्छा है ठीक है वेल एंड गुड। और यहाँ से यहाँ पर ज़्यादातर लोग उतरते हैं उतरने चढ़ने वालों की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है। ट्रेन अब आप कह सकते हो कि लगभग 80% खाली हो चुकी है। यहाँ पर ऊंचाहार और कुंडा तक ट्रेनें खाली होना शुरू होती है, बाकी टुंडला तक तो भरती ही जाती है ट्रेन। वही सारे लोग सबके हाथ में बड़े बड़े झोले बैग डब्बे मिठाई के, दिवाली और छठ का गिफ्ट होगा ये देखो। जब वो सब गिफ्ट ले लेते हैं अपने अपनी कंपनियों से अपने अपने गंतव्य की ओर पधार रहे हैं। आप लोग बताना आप लोग को आपकी कंपनी से क्या मिला गिफ्ट में। देखो सबके हाथ में बड़े बड़े झोले आपको दिखाऊंगे इससे देखो ना जितने लोग जा रहे हैं सबके हाथ में आपको बड़े बड़े बैग्स मिलेंगे। देखो देख रहे हो ना अंदर भी बाहर भी दोनों तरफ गाड़ी हमारी डिपार्ट हो चुकी है कुंडा के रेलवे स्टेशन से। और कुंडा का रेलवे स्टेशन काफ़ी नीट एंड क्लीन है यार। और यहाँ पे देखो सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह सब कुछ बेहतरीन है। साफ सफाई की बात करो तो वो भी मेंटेन की गई है। हम बदलेंगे युग बदलेगा हम सुधरेंगे युग सुधरेगा ऐसा कुछ। कुंडा हरनामगंज का एंट्री और एग्जिट पॉइंट महिला प्रतीक्षालय भी यहाँ पर है। पानी की व्यवस्था है अब लेकिन चल नहीं रहा वो बात अलग है। देखो दिवाली और छठ पर ना हर ट्रेन का बुरा हाल है। सिर्फ यही नहीं हर ट्रेन पे इतनी ज्यादा ट्रेनें चलाई गई है गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशल ट्रेनें उसके बावजूद भी सारी ट्रेनें भरी हुई हैं। आप लोग सकुशल घर पहुंचे धक्का मुक्की बिल्कुल ना करें आपकी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखें। फेस्टिवल है खुशी से मनाए। अब ऐसा हो गया है देखो यहाँ पर अब ऐसा खाली खाली सा दिख रहा है आपको। घड़ी में रहेंगे लाल गोपालगंज के रेलवे स्टेशन पर और यहाँ पर लगभग 95% ट्रेन खाली हो जाएगी। देखो ये सारे लोग कोई दिल्ली का है कोई मिश्रहार का है कोई अलीगढ़ वाले हैं सब लोग यहाँ पता उतर रहे हैं। वहाँ तक जहाँ पर देखें ना वहाँ तक लोग उतर रहे हैं बस के डिपार्चर का भी टाइम हो गया ट्रेन के हमारे। देख रहे हो भीड़ बड़े बड़े गिफ्ट लेकर लोग आए हुए हैं अपने अपनी कंपनियों से वो भी आप भाई लोग जो जा रहे हैं ना उन सबको देखो सबके हाथ में बड़े बड़े गिफ्ट हैं। देखो गाड़ी हमारे यहाँ से डिपार्च हो चुकी है 2 मिनट के हॉल्ट के और अगला स्टॉप इसका होगा सीधे फाफा माओ वहीं पर इस गाड़ी को डीबोर्ड करें। देखो यहाँ पर भी वो शौचालय बने हुए लेकिन उसमें भी लॉक लगा हुआ है। ये छोटे छोटे स्टेशनों पर ना ये बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं गवर्नमेंट सुविधाएं सारी होती है लेकिन लॉक किया रहता है। देखो कैसा है लाल गोपालगंज का रेलवे स्टेशन आप देख सकते हैं। गंदगी फैलाने में 500 रुपये का जुर्माना है। मेरे टाइम पर ना वो वाली बिल्डिंग नहीं बनी थी इधर से ही टिकट दिया जाता था सारा जब मैं यहाँ से ट्रेन लेता था तब। और देखो यहाँ पर कई सारी आपको पुरानी यादें मिली देखने को मिलेंगी। ऐसा कुछ लाल गोपालगंज का रेलवे स्टेशन और आप देख रहे हैं रेलवे का डिपार्चर पॉइंट और अभी यहाँ से प्लेटफॉर्म ख़त्म हो चुका है बस थोड़ी दूर बचा है जो आप देख पा रहे हैं उसके बाद ये प्लेटफॉर्म ख़त्म हो जाएगा। और ये वाले जो रोड देख पा रहे सामने की तरफ ये आते हैं यहाँ पर क्रॉसिंग के पास जुड़ते हैं। यहाँ पर एक समय था जब यहाँ पर लोग शाम को आने में डरते थे इतनी ज़्यादा चोरी होते थे लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है आज लोग लेट नाइट भी आते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये है ना ये क्रॉसिंग है और यहाँ से ऊपर से केबिल लगे इस केबिल से बंद होता था फाटक।
आने वाला है फाफा माऊ जंक्शन, और यहाँ पर क्रॉसिंग्स होती है जिसे डायमंड क्रॉसिंग आप लोग बोलते हो, तो इसलिए गाड़ी यहाँ पर अक्सर स्लो हो जाती है। ये कब यहाँ का इतना खूबसूरत लगता है ना कि देखने वाली बात है। देखो कितना प्यारा लग रहा है, पूरा का पूरा एकदम गाड़ी ना यहाँ पे कब हो जाती है। पीछे एक साइड दिखाता हूँ, देखो दोनों साइड गाड़ी एकदम कब हो जाती है। फाफाओं से तीन लाइन जाती है, जो कि एक जाती है प्रतापगढ़ के रास्ते अयोध्या, दूसरी जाएगी आपको लखनऊ जिधर मैं आ रहा हूँ, तीसरी रास्ते जाएगी आपको वाराणसी। ऐसे ऐसे करके मल्टीपल रूट्स हैं यहाँ पर, और यहाँ पर डायमंड क्रॉसिंग भी है। बस कुछ ही क्षण में हमारा स्टेशन आने वाला है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। खैर आ गया हमारा फाफाओं जंक्शन, वेलकम टू कुंभ नगरी प्रयागराज, और गाड़ी हमारी लग रही है प्लेटफॉर्म नंबर एक पर फाफा माऊ जंक्शन के। और यहाँ पर ये झुग्गी वाले कौन है मुझे नहीं पता, आपको पता हो तो शायद आप लोग बताइएगा ज़रूर। और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, देखो ये अमृत भारत योजना के तहत इस रेलवे स्टेशन का भी प्रसार किया जा रहा है। पीछे तरफ आप जो देख पा रहे हैं ना, ये कुछ तो होगा, आई थिंक वेटिंग एरिया बनेगा या तो फिर जो भी बने, लग तो ऐसे वेटिंग एरिया रहा है पर कुछ तो बनेगा, ठीक है। और ये एक नंबर की तरफ का प्लेटफॉर्म फाफाओं जंक्शन का, और आज हम इस गाड़ी को यहीं पर डी बोर्ड करेंगे और ये गाड़ी आगे चली जाएगी संगम की तरफ, प्रयाग जंक्शन और संगम की तरफ। और ऐसा कुछ फाफाओं का रेलवे स्टेशन, सबके अपने अपने सेपरेट केबिन्स बने हुए हैं जैसा कि सारे रेलवे स्टेशन में बना होता है। और ये भाई साहब की दुकान बहुत पुरानी है। तो आज की ट्रेवल जर्नी सिर्फ यहीं तक, मिलते हैं फिर किसी और ट्रेवल जर्नी, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, जय हिंद। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा।